हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं पैटर्न प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इससे बहुत जन घबरा जाते हैं कि ये जो पैटर्न है वो हम लोग कैसे प्रिंट करवाएं। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, ये जावा में करूँगा, पाइथन में नहीं। पाइथन में भी बहुत इजी है, जावा में भी बहुत इजी, सेम लॉजिक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इम्पोर्ट जावा यूटिल क्लास का नाम है डक। इससे पहले मैं डक नंबर कर रहा था इसलिए। अब पैकेज का नाम है टेस्ला, आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इलोन मस्क भैया का टेस्ला रख दिया। क्लास डक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ओके। इधर पे लीजिए स्कैनर, स्कैनर str इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। int integer सॉरी, आप ए भी लिख सकते हैं, आई और जे ले लीजिए। सपोज नाउ फॉर लूप का यूज करना है, नेस्टेड लूप ही रहेगा, नेस्टेड फॉर लूप, फॉर आई, फॉर आई इज इक्वल्स टू वन, फॉर आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज ग्रेटर देन आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू फाइव। फाइव क्यों? पहले आप इधर पे देखिए स्टेप्स, जहाँ आपको स्टेप्स पहले दिखे उधर पे आप फाइव लिखिए, मतलब जहाँ तक स्टेप चल रहा है। सपोज इधर 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 से स्टेप चल रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से आपका नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। इधर पे तो नहीं बढ़ रहा है, इधर से बढ़ रहा है, तो आप ऐसे लिखिए फोर आई इक्वल्स टू वन, आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू फाइव और आई प्लस प्लस, ओके, आई प्लस प्लस। नाउ अगेन ये नेस्टेड लूप है, मैंने पहले बोल दिया था जे इनर लूप, इसको कहते हैं इनर लूप। अब फॉर जे इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखेंगे, ये कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। इतना तो कर लिए हम लोग, स्टेप देख लिए। अब देखिए जो वैल्यू सेम है, सेम है जिसमें स्टेप नहीं है उसको लिख दीजिए। उधर पे लिखिए वन, इधर पे लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे वन, ओके। जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, आई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बता दे रहा हूँ। फिर जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ओके, सेमी कोलन लगाता जाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, जे प्लस प्लस। अब क्यों लिखेंगे ये भी बता दे रहे हैं। पहले प्रोग्राम हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आए, ओके। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट में हम लोग करेंगे सपोज वन वन टू, ऐसा है ना, वन वन टू, वन टू थ्री, वन थ्री, तो हम लोग इधर प्रिंट करेंगे जे जे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, ओके, ताकि लाइन चेंज हो जाए, प्रिंट एल एन, ताकि लाइन चेंज हो जाए। हमारा प्रोग्राम कॉम्प्लीशन के लिए तैयार है, कंपाइल करेंगे। देखते हैं गलती से, अब ठीक है, फिर कंपाइल करते हैं, एरर मैसेज है, ठीक है। इंपोर्ट जावा, अच्छा सॉरी, देखते हैं हमारा मिस्टेक हुआ, अब सही हुआ साइन। देखिए वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, तो यही था सिंपल। अब देखिए लॉजिक क्या लगा है। पहला फोर आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू फाइव, तो आई इज इक्वल्स टू वन ले लिया गया, हाँ आई इज इक्वल्स टू वन, तो वन में आया आई, मतलब स्मॉलर देन इक्वल्स टू फाइव है, मतलब स्मॉलर देन फाइव है, हाँ ठीक है। अब इनर लूप में आया, फोर जे इज इक्वल्स टू वन, जे इज ग्रेटर देन इज स्मॉल, जे इज
स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई, यस वन जे इज इक्वल्स टू वन है और वन इज इक्वल्स टू वन है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट जे, ठीक है, जे प्रिंट वापस से लूप चलेगा इनर लूप फॉर जे इज इक्वल्स टू वन, जे इज ग्रेटर जे इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू वाई, नो इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ओके सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज, j is greater than equals to, तो ये तो लॉजिक गलत है, मतलब ये तो कंडीशन नॉट ट्रू फॉल्स में फॉर लूप में, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में चले जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, अब वो आउटर लूप में आ जाएगा, कंट्रोल आउटर लूप में आके चेक करेगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब आई का वैल्यू हो जाएगा टू, ओके आई का वैल्यू टू हो गया, अब i इज इक्वल्स टू टू और i इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू फाइव, स्मॉलर देन फाइव, अब हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, अब इनर लूप में आया j इज इक्वल्स टू वन, j इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू i, यस यस ओके, तो इधर पे i प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट i j, मतलब j का जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गया, अब j इंक्रीमेंट हो जाएगा वापस जाके, इधर पे j का वैल्यू हो जाएगा टू, अब j इज ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल्स टू i, यस इक्वल्स टू i, नाउ वी कैन प्रिंट टू अगेन, अब इधर प्रिंट एल एन हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगा क्योंकि अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि j का वैल्यू हो गया है थ्री, j का वैल्यू हो गया है थ्री, अब तीन जो है वो तो दो से बड़ा है ना, इसलिए हमारा कंडीशन हो गया फॉल्स, अब लाइन चेंज हो जाएगा, अब कर्सर इधर आएगा, फिर वापस से ही ऐसा ही चेकिंग चलेगा, ओके चेकिंग चलेगा, अब वन आपको ऐसा आपका प्रिंट होगा नेस्टेड लूप का, ऐसा आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा जैसा मैंने आपको दिखाया, सॉरी ऐसा ही आपका प्रिंट होगा, तो थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, थैंक यू।